ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज पड़ी हुई है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो एक पेंटिंग है। तो आज हम भी एक 3D पेंटिंग बनाएंगे और देखेंगे कि वो कैसी बनती है। लेकिन मुझे नहीं पता 3D पेंटिंग कैसे बनती है, तो मैं YouTube पे काफी देर तक 3D पेंटिंग बनाने के तरीके देखता हूँ। फिर मुझे पता चला कि इसे व्यू के एंगल के हिसाब से बनाया जाता है। फिर मैं इसको बनाना शुरू कर देता हूँ। काफी देर मेहनत करने के बाद फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है। अब इसके लिए एक लाइक तो बनता है।